बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको वेलकम करती हूँ अर्शी एक्सपर्ट ड्रेसेस में। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि जिप किस तरीके से लगाई जाती है। ये मेरे पास फ्रॉक के कोठे की कटिंग है और इसमें मैं ये जिप लगाऊंगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले अपनी जिप को इस तरीके से रखेंगे। ये देखें, ये गला कटा हुआ है और इसके बाद मैंने इसको इस तरीके से रखा है और अब हम इसका निशान लगाएंगे। ये देखें, ये जो हिस्सा होता है जिप का, ये वाला जहाँ पे ये हुक लगी होती है वहाँ तक हम ये रखेंगे। ये देखें इस तरीके से, जो एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ बाहर की साइड पे छोड़ देंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से। इसके बाद ये जो हिस्सा है, ये वाली जो हुक लगी हुई है, यहाँ से थोड़ा ऊपर हम यहाँ पे निशान लगाएंगे अपने कपड़े में। अब हमें जो है अपनी जिप को यहाँ से लेके इस निशान के अंदर लगानी है। तो इसको थोड़ा सा हम डार्क कर लेते हैं और हम इसको यहाँ से कटिंग करेंगे। इससे बड़ा कटिंग ना करें, निशान तक भी काटना सही रहेगा। इस तरीके से हमने कटिंग कर लिया है। ये देखें, अब जिप लगाने के लिए पहले जो है कपड़े की पट्टी लगानी पड़ती है, तो अब हम वो कपड़े की पट्टी कटिंग करेंगे। इसके लिए हम लेंगे रफ कपड़ा। ये देखें, ये मैंने इसके लिए रफ कपड़ा लिया। एक साइड पे इसको हम रखते हैं। अब हम अपने इस निशान का नाप करेंगे और कपड़े की पट्टी कटिंग करेंगे। यहां से लेके ये देखें, यहां तक जो है हमारा कट जो है 8.5 इंच का है। आप अगर बड़ी जिप लगा रहे हैं तो जाहिरी बात है बड़ा निशान होगा, उस हिसाब से आप कपड़े की पट्टी जो है वो कटिंग करेंगे। 8.5 का है तो इसमें मैं तकरीबन 2 इंच जमा करूंगी, यानी के 10.5 की पट्टी में काटूंगी। थोड़ा सा बड़ा रखना जरूरी है पट्टी को। ये देखें, 10.5 का मैं निशान यहाँ से लगाऊंगा। ये तो हो गई हमारी जिप की पट्टी की लंबाई। अब इसकी चौड़ाई जो है हम रखेंगे तकरीबन 3 इंच की, और इस तरीके से लाइन करके हम इसको पट्टी को कटिंग कर लेंगे। देखें इस तरीके से, ये हमने पट्टी कटिंग कर ली। व्यूअर्स, ये पट्टी कटिंग करने के बाद अब हम इसको चारों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करके हम चारों साइड पे सिलाई लगाएंगे। तो चलें अब हम अपना स्टिचिंग का काम शुरू करते हैं। व्यूअर्स, सबसे पहले हम इस पट्टी को चारों साइड से इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। देखें इस तरीके से।
ये देखिए इस तरीके से मैंने सिर्फ सिंगल फोल्ड किया है, इसको इस तरीके से डबल नहीं किया है। ये चारों साइड की ओटी करने के बाद अब हम इसको अपने कमीज या जो भी हम जहां भी लगानी हो ब्लाउज वगैरह में या फ्रॉक में, तो उसको हम इस तरीके से रखेंगे। अब ये जो हमारी पट्टी है इसको हम इस तरीके से रखेंगे। देखें ये हमारा सीधा कपड़ा है, इसको हम इस तरीके से रखेंगे ऊपर इस तरीके से। देखें थोड़ी सी ये ऊपर की तरफ निकलनी चाहिए और यहाँ से ये जो हमारा निशान है इससे नीचे आनी चाहिए। इस तरीके से इसको सेट करें, आप चाहें तो इसको पिनअप कर लें और फिर हम इसकी इस तरीके से सिलाई करेंगे। देखें यहाँ से थोड़ा सा निकला हुआ है और निशान के बाद भी हमारी पट्टी जो है थोड़ी सी बच रही है। अब इसको मैं यहाँ से सिलाई शुरू करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा फासला छोड़ के। ये देखें इस तरीके से मैंने सिलाई की है, यहाँ से मैंने मशीन को घुमाया है और इस तरीके से दो लाइनिंग में मैंने सिलाई की है। अब ये देखें ये जो हमारा कटा हुआ हिस्सा है और बीच में ये इस तरीके से पट्टी आ रही है। अब हम इस पट्टी को इसके साथ ही कटिंग कर लेंगे। ये देखें इस तरीके से बीच बीच में आप पट्टी जो है वो कटिंग कर दें। ये इस तरीके से हमारी पट्टी जो है कटिंग हो गई है। ये देखें इस तरीके से लग गई हमारी पट्टी। अब इसको हम यू फोल्ड करेंगे। ये देखें ये जो पूरी पट्टी है इसको हम अंदर की साइड पे इस तरीके से इसको हम प्रेस की मदद से अच्छे तरीके से बिठा लेते हैं ताकि हमें जिप लगाने में आसानी हो। व्यूअर्स ये देखें ये हमने प्रेस की मदद से पट्टी को जो है वो बिठा लिया है। अब हम यहाँ पे एक किनारी पे एक सिलाई कर लेंगे और फिर इसके बाद हम अपनी जिप जो है वो अटैच करेंगे। ये देखें इस तरीके से हमारी सिलाई हो गई है। अब हम अपने जिप अटैच करेंगे। ये जिप मैंने इस तरीके से लिए सीधी है और इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा ऊपर से छोड़ के और इस तरीके से रखूँगी और फिर थोड़े से फासले पे मैं यहाँ पे सिलाई लगाऊँ।
व्यूअर्स, ये देखें जो हुक है इसके ऊपर हमारी सिलाई आनी चाहिए, हुक जो है वो नीचे रहेगी। अब इस तरीके से जिप लगाने के बाद वो ये देखिए जिप को थोड़ा सा हम नीचे कर देंगे। ये देखिए थोड़ा सा नीचे करने के बाद अब ये जो गले का शेप है उसको हम थोड़ा सा सही करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए ये हो गया। व्यूअर्स, ये हमने जिप अटैच कर ली है और ये देखिए यहाँ तक ये आएगी जिप और यहाँ से ऊपर जो है गले की पट्टी लगेगी। और इस तरीके से हमने आसान मेथड के साथ जिप जो है अटैच कर ली है। ये जिप आप कमीज या मैक्सीज वगैरह में या ब्लाउज में इस तरीके से अटैच कर सकते हैं। ये जो ऊपर का कोना है वो पट्टी की, गले की पट्टी लगने के बाद ये आपका हुक जो है वो अंदर की साइड पे बंद हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।